आज हम इस पुराने मोबाइल सैमसंग का बैटरी चेंज करते हैं, वो भी इसकी नई बैटरी नहीं मिल रही है। बैटरी मिल भी रही है तो उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं मिल रही है। बैटरी पुराना यूज़ करते हैं, ये पुराना सैमसंग की ही बैटरी यूज़ है। इस बैटरी को हम पीछे लगाएंगे। मैं उससे पहले इसको यूज़ कर रहा था सिर्फ शॉप में, ऐसे पुराने सिम कई कस्टमर का पड़े रहते हैं, उसको बंद ना हो जा करके चालू रखने के लिए मोबाइल को यूज़ कर किए, और कुछ कुछ काम है, छोटा मोटा काम रहता है उसके यूज़ के लिए। ऐसे सैमसंग काफ़ी पुरानी हो चुकी है फिर भी चल रही है। अभी कैसे चल रही है आपको पीछे साइड दिखाता हूँ। ऐसे इसको पहले मैं बनाया था, इसकी पुरानी बैटरी नहीं मिली, इसको कनेक्शन किया हूँ। आज हम ये बैटरी असेंबल करते हैं, इसमें पुरानी बैटरी, नई बैटरी तो मिल ही नहीं रहे, और मिल भी रही तो अच्छी नहीं है। ठीक है दोस्तों, बनाते हैं। ये माइनस है, बीच वाला डाटा बैटरी रिमूव कर लिया अपन। जो बहुत दिनों से मैं यूज़ कर रहा था कि कभी इसके टॉपिक में वीडियो बनाऊँ करके बहुत सोचा था, लेकिन आज मन हो गया बना देते हैं वीडियो। कई बार कई लोगों के पास मोबाइल नहीं रहती है, मोबाइल रहती है तो बहुत अच्छी स्थिति ना होने के कारण मोबाइल उन लोग नहीं बनवा पाते हैं, मोबाइल ख़राब रहते थे। आज बहुत ख़राब कंडीशन की स्थिति से कैसे बनाते मोबाइल हम लोग बताते हैं। ये मोबाइल यूज़ करते हैं, में चार पॉइंट दिए हुए हैं, प्लस बीच का डाटा है, फिर माइनस है, फिर डाटा है, लेकिन इसमें दिया है दो पॉइंट सिर्फ दिए हैं, लेकिन चालू होगा पर अच्छी तरीके से चालू नहीं होगा, इसका टाइम नहीं बताएगा ठीक से, और ऑन होने के बाद थोड़ा देर के बाद बंद हो जाएगा, पूरा डाटा उसको नहीं मिलेगा। इसके नाम से हम इसको दूसरे तरीके से इसको सेट करते हैं। पहले मोबाइल को दो तरीके से इसको किनारे किनारे इस साइड से खोलते हैं, सावधानीपूर्वक शॉर्ट ना हो। इसमें माइनस प्लस हम एलईडी यूज़ करते हैं, माइनस प्लस बैटरी चेक करने के लिए खास, एकदम अच्छा तरीका, सही तरीका। अगर कहीं मल्टीमीटर आपके पास नहीं है, बगैर मल्टीमीटर के भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये छोटा एलईडी आता है, ये 3 वोल्ट का होती है, बैटरी भी 3-3.5 वोल्ट ऐसी होती है। चेक करते हैं ये चल रही है बैटरी, इसमें इसके पावर सप्लाई बोर्ड को निकालना पड़ेगा, दूसरा पावर सप्लाई बोर्ड असेंबल करते हैं। Thank you.
देखो आप ये सब ना करें, आपको अच्छी तरीके से जानकारी हो तभी ऐसा काम करें, तो आपके हाथ में बैटरी शॉर्ट हो सकती है। ये वाला हिस्सा माइनस है, ये प्लस है, हम दूसरा बोर्ड यूज़ करते हैं। इसका पूरा सब निकाल दिए, इसमें चार्ज ही नहीं, बोर्ड से चल रही थी ये छोटी वाली माइनस, ये बड़ी वाली प्लस। ये चेक करने का बहुत अच्छा तरीका है, कहीं मल्टीमीटर ना हो तो हम दूसरी बैटरी का पावर बोर्ड यूज़ करते हैं। ये मेरे पास छोटा वाला कीपैड मोबाइल का सैमसंग का पावर बोर्ड, इससे पावर बोर्ड निकालते हैं। ये चालू है, भी बैटरी चेक करके देख लिया हूँ पहले से, इसका हम पावर बोर्ड यूज़ करते हैं। ये सपोर्ट 100% कर लेगा, 3 पॉइंट है इसमें, सिर्फ 2 पॉइंट थे इस बैटरी में। ये क्या फिक्सिबल जगह है, इसमें ये आ जाएगा, नहीं आएगा उसको ज़बरदस्ती हम फिटिंग भी करेंगे। आपको पूरी तरह है जानकारी है इलेक्ट्रिक डिजिटल के बारे में, तभी ये सब बनाने की कोशिश करें। मेरा वीडियो देख के इतना खतरनाक एक्सपेरिमेंट न करना, मेरी बैटरी हाथ में फट सकती है। ये फुल चार्ज है, फुल चार्ज बैटरी बहुत खतरनाक हो सकती है। आप बिल्कुल कोशिश मत ना करें दोस्तों,
इलेक्ट्रिक्स, डिजिटल, मोबाइल रिपेयरिंग की पूरी जानकारी होने के बाद ही सब करें, मेरे वीडियो देख के ना करें। देखो दोस्तों, इसमें पावर बोर्ड लगी हुई है, छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा है। ये पावर बोर्ड हम यूज़ करेंगे, इसमें का बैटरी बी माइनस बी प्लस ए बी प्लस ये है, प्लस माइनस तुरंत पता चल गया इसमें क्या लिखी हुई है। अगर नहीं लिखी हुई रहती तो हमारे पास दूसरा तरीका है एलईडी चेक करने के, इसमें क्या एलईडी में बड़ी वाली जो है इसमें पॉइंट निकली हुई है वो प्लस रहती है और छोटी वाली माइनस रहती है। प्लस माइनस चेक करते हैं, नहीं जली। दूसरा एलईडी यूज करके देखिए, छोटी सी बोर्ड में बहुत छोटा वायर यूज करेंगे, पतला एकदम। पहले चेक कर लेते हैं बैटरी इसमें काम कर भी रहा है कि नहीं कर रही है बोर्ड में, पहले नॉर्मली चेक करके देख लेते हैं। अब
ये वाली माइनस है, ये वाली प्लस है। प्लस माइनस बहुत ज़रूरी, बहुत ध्यान देना है इसमें। अगर हल्का से भी गलत अगर लग गया तो पूरी जितनी एक्सपेरिमेंट हम किए हैं पूरा बेकार हो जाएगा। ये हो गया कनेक्शन, चेक कर लेते हैं पहले ये बोर्ड सपोर्ट ले रही है कि नहीं। हम दूसरी लेड यूज़ करते हैं। ये पहला पॉइंट है, ये प्लस है, ये माइनस है। इसमें का बड़ी वाली प्लस है, ये छोटी वाली माइनस है। ये सपोर्ट कर ली, काम कर रहे हैं। तीनों पॉइंट में सोल्डिंग करना है। तीन वायर लेते हैं जैसे पहले कनेक्शन किया था वैसे, उसको कन्फर्म चेक कर लेते हैं, फिर बाद में असेंबल करेंगे। ये तीन वायर हम ले लेते हैं, छोटी छोटी, ज़्यादा बड़ी नहीं।
तीनों शूटिंग हो चुकी है, अब टेस्ट करते हैं मोबाइल चालू हो रही है कि नहीं हो रही है, सपोर्ट ले रही कि नहीं और चार्ज हो रही है कि भी नहीं, ये सब चेक करना पड़ेगा। फिर उसके बाद फिर इसको कंप्लीट असेंबल इसमें करेंगे। ये प्लस ये ब्लू वाली बीच वाली जो टाटा बोल रहे थे वो वाली वायर है, लास्ट माइनस तीनों केबल जुड़ चुकी है, प्लस बीच वाला डाटा माइनस। पुरानी बोर्ड में डाटा नहीं दिया था सपोर्ट के लिए, नहीं ले रहा था, मैं एक बार एक्सपेरिमेंट करके देख चुका था। अब इसको ऑन करके देखते हैं मोबाइल को, ये ऑन हो गई। इसमें 38% चार्जिंग है, अभी चार्ज सपोर्ट ले रही है कि नहीं ले रही है ये पूरा टेस्ट करना पड़ेगा, चेक करके देखते हैं। देखो आपको दिख रही कि नहीं दिख रही बैठ के, थर्टी एट परसेंट बैटरी चार्ज है। चार्जर यूज करते हैं पावर बैंक, चार्जिंग भी सपोर्ट कर लिया। देखो चार्जिंग सपोर्ट हो गया है, चार्ज हो रहा है, 38% है। थोड़ा देर इंतज़ार करते हैं इसको चार्ज, एक पॉइंट भी बढ़ा 39 हुआ, समझो बैटरी सपोर्ट कर लिया, अच्छे तरीके से काम करना चालू कर दिया। थोड़ा इंतज़ार करते हैं, एक दो मिनट लगेगा। इसमें पीछे में कोई बैटरी नहीं है, हम वही बैटरी यूज़ कर रहे हैं जो अभी Thank you.
जब तक चार्ज हो रहे हम पुराने बैटरी को निकाल लेते हैं, एक एक करके निकालते हैं नहीं तो शॉर्ट हो जाएगी, खतरनाक हो सकता है। फिर एक एक करके ये पहले लगाई थी मैंने जो पीछे से अटैच करके यूज़ कर रहे थे, ये देखो निकल गया फ्रेश। मैं डिस्प्ले वाला ग्लो यूज़ करता हूँ उसको चिपकाने के लिए, फेविक्विक नहीं, फेविक्विक एक बार चिपकाया ना हमेशा के लिए चिपक जाएगा, फिर दोबारा यूज़ करने लायक नहीं रहता। पाँच मिनट हो गया, चेक करते हैं। हाँ पूरा चार्जिंग 42% चार्जिंग हो गई है, ये सही एक्सपेरिमेंट हमारा। इसको असेंबल करते हैं अच्छी तरीके से, खाली चेक करने के लिए हम कनेक्ट किए थे। अब इसको अच्छे से कैसे संभल करें हम दिखाते हैं, कल सौदाने पर सोल्डिंग कर निकाल लेते हैं। ये निकल गया, ये वायर काफ़ी मजबूत है, मोटी है, लेकिन इसमें आएगा नहीं, इसमें हम जम्पर वायर यूज़ करेंगे। उसको जितने हैं केबल है उसको पूरा निकालते हैं, ये निकाल लिए एक एक करके। ये मोबाइल में काफ़ी बहुत कम जगह रहती है ये सब करने के लिए, परफेक्ट सामान रहता है तो ही लगता है, नहीं तो नहीं लगेगा। ये पूरे तरीके से निकाल लेते हैं केबल को और जम्पर वायर के, देखो बोर्ड बहुत छोटी है। अब इसमें हम जम्पर वायर करके इसको असेंबल करते हैं, ये पुरानी वायर यहाँ से हटा देते हैं।
चार्जर वायर, चार्जर का पुरानी बोर्ड में से निकालेंगे वायर। पुराने चार्जर की बोर्ड मिल गई मुझे काफ़ी ढूंढने के बाद। इसमें से हम जम्पर वायर निकालते हैं। वैसे मेरे जम्पर वायर मैं भूल गया हूँ कहाँ पर रखा हूँ, मेरे को ध्यान नहीं है। आपको बता देता हूँ कहीं जम्पर वायर ना मिले तो पुरानी चार्जर के ट्रांसफार्मर में अंदर खोलने वाली ट्रांसफार्मर छोटी सी है। जम्पर वायर मिल जाएगा, देखो जम्पर वायर है इसमें।
ये जम्पर वाले के लिए ये जम्पर काफ़ी मोटी है, यूज़ नहीं करेंगे वाली जम्पर, और काफ़ी पतली है, सेम जैसे पुरानी वायर को हम फिटिंग किए थे लगा के वैसे इसको लगाते हैं। सोल्डिंग अच्छे क्वालिटी का रहना चाहिए, सोल्डान सोल्डिंग यूज़ कर रहा हूँ, इस ब्लेड मारने की ज़रूरत नहीं पड़नी है। तो ये जो वायर है इसमें ऊपर में पॉलिश रहती है शॉर्ट ना हो करके, उसको मेरे को बार बार छीलना पड़ता या ब्लेड से घिसाई करना पड़ता। ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस, इसमें वही सेम टू सेम जैसे पहले वायर किए थे वही करना है। इसमें
टेप यूज़ करते हैं, प्लास्टिक काफ़ी मोटा ही हो जाएगा, फिर इसमें जगह नहीं रहेगा तो फिटिंग नहीं होगा। पहले बैठा के देख लेते हैं आ भी रहे कि नहीं आ रहे, नहीं आ रहे जगह, एकदम छोटी सी तंग है जगह, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं इसको फिटिंग करने की, किनारे में आ जाएगा, आ ही जाएगा बोर्ड को इस तरफ किनारे में फिटिंग करते हैं, टेप यूज़ करते हैं।
शॉर्ट ना हो करके टेप यूज कर रहे हैं कि शॉर्ट हो सकती है, उसको चिपका दिए। डिस्प्ले ग्लो ही काम कर गया, मुझे नहीं लग रहा कैसे फिटिंग करूं, काफी टाइम भी हो गया है। अच्छी तरीके से ग्लो लगा देता हूं। ये ग्लो है वाटरप्रूफ ग्लो है, लग गया, बहुत जल्दी सूख जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चेक कर लेते हैं काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। काम कर रही है, ये हमारा एक्सेम्बल हो गया बैटरी। इसमें हम फिर से अपना जम्पर वायर यूज़ करते हैं, थोड़ा बस बचा है, बस 5 मिनट और लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। मेरा वीडियो पूरा देखने के बाद ही ये सब एक्सपेरिमेंट करना, और इलेक्ट्रॉनिक्स की डिजिटल मोबाइल रिपेयरिंग की जानकारी हो तब ये सब करना, नहीं तो बैटरी आपसे शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। ये बार थोड़ी बड़ी लेती हैं,
इसको असेंबल करते हैं, इसको कनेक्शन सही तरीके से फिटिंग होना चाहिए, नहीं तो मोबाइल ख़राब भी हो सकती है। ये पूरा ओके हो चुकी है, ये पूरा कनेक्शन हो चुका है अपना, बहुत टाइम लग गया। ये प्लस वाली वायर बहुत बारीक है, जम्फर वायर वीडियो में ठीक से दिख भी नहीं रहे हैं। जुड़ गए, पूरा कनेक्शन हो गई है। और अच्छा चेक करके देख लेते हैं शॉर्ट वगैरह ना हो जैसे किनारे, क्योंकि बैटरी को फिटिंग करना भी असली काम बची हुई है। पहले मोबाइल चालू करके देख लेते हैं कनेक्शन ठीक से हुआ है कि नहीं। मोबाइल चालू हो गई है, अब बैटरी बैठाने का बस काम बचा है। दोस्तों बहुत टाइम हो गया फिटिंग करते हैं, क्योंकि काम ही वो इसी था, नया में काम तो नहीं हो रही है, पुरानी में ही एक्सपेरिमेंट हो रही है, क्योंकि पुराने सेट बहुत है, बेकार पड़ी हुई थी, तो मैं टाइम निकाला हूँ। आज ऐसे भी संडे है, 2 बजे के बाद शॉप बंद कर दिया मैंने, ये घर में एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं। ये मोबाइल अच्छे तरीके से काम कर रहा है, चलो देर ना करें, देर नहीं करते हैं, फिटिंग करते हैं इसको अच्छे तरीके से। इसमें ग्लो यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट होने की हो सकता है, इस नाम से ये वाटरप्रूफ ग्लो हम यूज़ कर ही लेते हैं, क्योंकि अभी फिटिंग करते वक्त शॉर्ट भी हो सकती है, क्योंकि इसको बैठाना ज़रूरी है। ये अच्छी तरीके से हम ग्लो वहाँ पर यूज़ कर लिए। ग्लो लग चुकी है, बैटरी जस्ट हम पलट देते हैं। मोबाइल को बंद कर देते हैं, शॉर्ट होने से हो सकता है मोबाइल में कुछ ख़राबी आ जाए, ये बंद कर दिए। इसको अच्छे से टेपिंग यूज करते हैं, फिर उसके बाद
हम टेप यूज कर लिए और टेप लगा देते हैं। शॉर्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा शॉर्ट हो पूरा मेहनत बेकार चले जाएगा। फिटिंग हो गई है लेकिन अच्छे से नहीं हुई है। इसमें वायर बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों, वायर छोटी हो गई है, प्लट के लगाने से आ जाएगा, थोड़ा सा काम और है, बस 5 मिनट और लगेगा। हम वायर बढ़ा लेते हैं एकदम तेज़ी से, कि काम ही वैसे कर रहे हैं हम लोग, जो नहीं होना है उसको भी ज़बरदस्ती कर रहे हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 5 मिनट और वायर बढ़ा लेते हैं। छोटी होगी वायर, मैं सोचा नहीं था, मैं सोचा कि फिटिंग आ जाएगी पर नहीं आई। जल्दी से मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बहुत टाइम हो चुकी है, इतना टाइम तक कर वीडियो देखने में टाइम दोगे कि नहीं दोगे क्या पता, कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गए ऐसे भी।
टाइम किसी के पास नहीं रहती। छोटा वीडियो मैं सोच के बनाया था, मेरे को क्या पता इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि काम ही वैसे ना, नया काम रहता, नया यूज़ होते रहता है, कुछ भी नया बैटरी फिटिंग करना रहता है और कुछ नया नया यूज़ होता है, तो जल्दी हो जाता, आधे घंटे में हो जाता। क्योंकि बहुत टाइम हो चुकी है, 5 मिनट और। ये हो गया, बस लास्ट वायर और है। ये हो गई दोस्तों, नहीं ग्लो यूज करते हैं टेप। सॉरी दोस्तों, बहुत टाइम लग गया फिटिंग में, मैं सोचा कि थोड़ा टाइम लगेगा फिटिंग में, काफी डिफिकल्ट निकल गया ये काम। ये इसको बैटरी को पलट के लगा देते हैं, क्योंकि वहाँ पर बोर्ड था, बैटरी का बोर्ड और बैटरी पॉइंट भी वहीं पर है, इसकी वजह से दोनों जगह घेर रही थी।
लग गया टेप अच्छे से। देखो आपस में चिपक के शॉर्ट ना हो जाए, सबसे बड़ा खतरा शॉर्ट का है, काम ही ऐसे कर रहे हैं। आपको पूरी जानकारी हो तभी ऐसा एक्सपेरिमेंट करना दोस्तों। फिटिंग करके अब देखते हैं। अभी भी फिटिंग नहीं हो रही है, काफी मोटाई हो चुकी है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं इसमें तभी होगा। ऐसे भी सब मोबाइल अभी की जो नए मोबाइल आ रहे हैं पूरे एक्सटर्नल बैटरी रहते हैं, पूरे एक्सटर्नल ही कर देते हैं, इसको दोबारा निकालने की ज़रूरत ना रहे जब तक मोबाइल का डेट ऐसे ही ख़त्म है। लेकिन कुछ यूज़फुल हो जा करके एक्सपेरिमेंट किए हैं। ये आ गया दोस्तों फिटिंग, बहुत मेहनत के बाद आए हैं क्योंकि मोबाइल की काफ़ी मोटाई बढ़ गई। कंपनी ऐसी बनाई है कि बीच में मेटल है, वो मेटल को छिड़खानी कर नहीं सकते। देखते हैं चालू करके दोस्तों, बहुत टाइम लग गया, लगभग 1.5 घंटा काम कर रही नहीं कर रही मोबाइल, पूरा सक्सेसफुल हो गया दोस्तों। ये हो गया पूरा फिटिंग, बहुत टाइम लग गया, सक्सेस हो गया, बैटरी लग गई। अच्छे तरीके से काम करना चालू कर दिया मोबाइल, अब इसको हम यूज़ कर सकते हैं। पहले क्या है, कहीं भी ले जा नहीं सकते थे मोबाइल को, बेकार दिखती थी ये वाली बैटरी। अब यूज़ किए थे, ये बाहर से लगी हुई थी, ऐसी लगी हुई थी बैटरी, अब लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक्सटर्नल लग गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं कोई और अच्छी वीडियो लेके, लेकिन जल्दी एक्सपेरिमेंट हो जाए ऐसा, पहले से एक्सपेरिमेंट कर लिए रहूँगा उसके बाद ही।
वीडियो बनाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो बन गई है, बहुत टाइम लग गया इसमें। ठीक है दोस्तों, बाय।